अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज केक स्ट्रॉबेरी जुगट केक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यह बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार होता है और अपने जायके के लिहाज से बहुत ही मुनफरद होता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं स्ट्रॉबेरी जुगट केक के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। स्ट्रॉबेरी जुगट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका स्पंज तैयार करेंगे और स्पंज तैयार करने के लिए यहाँ हमारे पास 100 ग्राम मैदा है जिसे मैंने दोमट पर छान लिया है। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसमें हम चीनी जो है वो मैंने आधा कप ली है, जो इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 अंडे हैं जिसकी सफेदी और जर्दी अभी इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग अलग बीट करेंगे। 4 अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। अंडों की 4 अंडों की सफेदी और जर्दी इनको अलग कर लिया है। अब सबसे पहले जो हमारे पास जर्दी है इसको एक बड़े बॉल में डालकर बीटर से इनको बीट कर लेते हैं। अंडे की जर्दियों को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इनको बीट किया है और ये बहुत क्रीमी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर ऐसा ऐसा जो हमारे पास कैस्टर शुगर है ये इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, जो कि 100 ग्राम है, और साथ साथ इसको बीट कर लेंगे। जल्दी में तमाम चीनी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से डाल के इसको बीट कर लिया है। अब हम सफेदी जो है उसको बीट करते हैं। जल्दी को बहुत अच्छी तरह से बीट करने के पास जो हमारे पास ये 4 सफेदी हैं इनको अब हम बीट कर लेंगे। अंडे के जो सफेदी हैं वो बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 7 मिनट में मैंने इनको बीट किया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो लेवल करके पिसी हुई चीनी जो है वो हम इसमें डालेंगे, कैस्टर शुगर, और थोड़ा सा इसको बीट कर लूंगी। अंडे की सफेदी को बहुत अच्छी तरह से बीट करने के बाद जो अभी हमने जल्दी जो है वो इसको बड़ा क्रीमी सा बीट किया था वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ फोल्ड करेंगे। जो मैदा हमारे पास है ये थोड़ा थोड़ा डाले रहेंगे, साथ ही इसको फोल्ड करते रहेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैदा इसमें फोल्ड कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो जिस बर्तन में मैंने इसको बेक करना है इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसके ऊपर बटर पेपर लगा के बटर पेपर को भी बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ये सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। सारा बैटर इस बर्तन के अंदर डाल दिया है, अब इसको बेक करने के लिए रखते हैं। केक को जिस डेक्ची में बेक करना है इसे मैंने तकरीबन 20-25 मिनट से गर्म करने के लिए दरमियानी आंच पे रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले स्टैंड रखेंगे, स्टैंड के ऊपर केक का ये बर्तन रख देंगे। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। छुरी बिल्कुल साफ निकली है, केक जो है वो तैयार हो गया है। ये तकरीबन 20 मिनट में तैयार हुए हैं। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। केक को प्लेट में निकाल लिया है, ये अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, इसलिए मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ। केक की आइसिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि मैंने 400 ग्राम ली हैं। इन स्ट्रॉबेरीज को हम काट के 50 ग्राम शुगर के साथ जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज के थोड़े छोटे पीस कर लिए, अब इसको ब्लेंडर में डाल के चीनी के साथ ग्राइंड कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी के पेस्ट तैयार है। यहाँ हमारे पास तकरीबन आधा कप पानी है, इसके अंदर ये जिलेटिन में 6 टीस्पून डालने के बाद इसको जो है वो इसमें पका लेंगे और फिर उसके बाद इसको स्ट्रॉबेरी के पेस्ट में शामिल कर देंगे। यहाँ बर्तन के अंदर ये आधा कप पानी डाल देंगे।
और इसमें 6 टीस्पून जेलेटिन डाल देंगे। जेलेटिन पानी के अंदर डिजॉल्व हो चुका है और ये अभी बॉईल नहीं हुआ, बॉईल होने से पहले ही चूल्हा जो है वो बंद कर दें। अब इस जेलेटिन को स्ट्रॉबेरी की जो पेस्ट हमने तैयार की थी उसमें डाल देंगे। इसे ठंडा करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ हमारे पास 400 ग्राम जो है वो दही है, जो कि मैंने ये पैकेट की दही ली है। इसमें हम आज ही जो है वो मैं इसमें से इस्तेमाल करूंगी 200 ग्राम के करीब, और 100 ग्राम जो है ये मेरे पास चीनी है जो कि तकरीबन आधा कप है पिसी हुई चीनी। इस चीनी के साथ दही को ब्लेंड कर लेते हैं। एक बड़े बाउल के अंदर जो दही अभी हमने ब्लेंड की है ये सारी दही इसमें डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी का मिक्सर, ये जेली जिसमें अभी हमने जेलेटिन डाला था ये अभी हाफ सेट हुआ है, इसके अंदर इसको भी फोल्ड कर देंगे। दही और स्ट्रॉबेरी के मिक्सर को मिक्स करके इसे अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ हमारे पास 200 मिलीलीटर क्रीम है जिसको मैंने फ्रीजर में रख के बहुत अच्छी तरह से चिल कर लिया है, ये बहुत ठंडी है। अब इस क्रीम को बीट करती हूँ। क्रीम बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है, इसके अंदर 1/2 टीस्पून लीमू डालेंगे। और 1 टेबलस्पून चीनी डालकर मैं इसे थोड़ा सा बीट कर लूंगी। क्रीम व्हिप करने के बाद इसमें से जो आधी क्रीम है वो इस मिक्सर में फोल्ड कर देंगे। क्रीम को इसमें फोल्ड करने के बाद इसे मैं दोबारा फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ हमारे पास 2 अंडे हैं, इनकी मैं सफेदी जो है और जल्दी सेपरेट कर लूंगी, और उसके बाद इसकी जो सफेदी है उसको हम जो है वो बीट कर लेंगे। अंडे की सफेदी इस बॉल के अंदर डाल के इसको अब मैं बीट कर लूंगी। अंडों की सफेदी बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, इसमें हम 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और इसको जरा सा बीट कर लेंगे। सफेदी जो हमने बीट की है इसे भी स्ट्रॉबेरी के मिक्सर के अंदर फोल्ड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जो स्पंज हमने तैयार किया है, इस स्पंज को ऑरेंज जूस है यहाँ हमारे पास, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो स्पंज में ऑरेंज जूस से इसको थोड़ा सा हम मॉइस्ट कर देंगे। जिस बर्तन में हमने केक को बेक किया था इसके अंदर ही मैंने डबल जो है वो इसकी बेस में बटर पेपर लगा दिया है। केक को दोबारा इसके अंदर रखेंगे। केक को इसमें बर्तन में दोबारा डालने के बाद जो हमने ये सारा मिक्सर तैयार किया है ये सारा इस केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। केक को अब हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। केक बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसे मैंने ओवन लाइट जो है वो फ्रिज में रखा है। क्योंकि ये लूज बॉटम पैन है इसलिए इसको हल्का सा नीचे से पुश करेंगे तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। स्ट्रॉबेरी योगर्ट केक बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज और नरम ये केक तैयार होता है और बहुत डिफरेंट होता है। इसका जायका बहुत ही मुनफरिद और बहुत मजेदार होता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।